विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत मार्तंड क्रमांक 2 में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र के ऊपर सीनियर छात्र ने किया चाकू से हमला, पीड़ित पहुंचा थाने शिकायत लेकर। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बोदाबाग निवासी जयकिशन पांडे स्टेडियम के पास स्थित मार्तंड क्रमांक 2 में 10वीं का छात्र है। मंगलवार की दोपहर स्कूल की आधी छुट्टी होने पर वह बाहर निकला, जहां पहले से मौजूद कक्षा 12वीं के सीनियर छात्र ने उसे बुलाया और स्कूल के पास ही एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ मारपीट की और चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित छात्र की चीख पुकार सुन कुछ छात्र उस ओर भागे तो मारपीट करने वाला सीनियर छात्र वहां से फरार हो गया। पीड़ित छात्र ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज करा दी है। आए दिन ऐसा देखने को मिलता है कि स्कूल के बाहर बाहरी और स्कूल के ही कुछ सीनियर छात्र जूनियर छात्रों पर धौंस दिखाने उनके साथ मारपीट करते हैं, लेकिन इस तरह के छात्रों पर स्कूल के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, जिसका खामियाजा भोले भाले छात्रों को ही भुगतना पड़ता है। कल मैं स्कूल से जब निकला तो आयुष पांडे ने गाली दी थी। अपने से कैसे छुट्टी मांग के गए थे? अपने से कैसे? आप लोग बाहर कैसे निकले स्कूल से? स्कूल से बाहर कैसे निकले? तबीयत खराब रहती। तो क्या प्रिंसिपल को या प्रचार को किसी को सूचना दिया था आपने? नहीं। चोरी छुपे आप लोग जाते? जी मैं गया था। फिर क्या हुआ? कल मैं गया था तो आयुष पांडे सामने से आ रहा था, धक्का लग गया, उसने गाली दी थी, फिर उसने मुझे पकड़ लिया, सामने ले गया, एक बगीचा है वहाँ ले जाकर आगे मुझे मारा, फिर चक्कू मारा और ये पकड़ लिया क्या नहीं आ रहा। किसने मारा है? आयुष पांडे। किस क्लास में है वो? वो 12th में।